दोस्तों कोरोना वायरस के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसका पूरा असर यू नो फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। बिकॉज कोई भी फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही, कोई भी टीवी सीरियल्स की शूटिंग नहीं हो रही, कोई भी वेब सीरीज की शूटिंग नहीं हो रही, ऐसे में लॉकडाउन का पूरा जो नुकसान है वो फिल्म इंडस्ट्री को उठाना पड़ा। बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है। लॉकडाउन के बाद भी जो थिएटर्स है वो बंद रहने वाले हैं, बिकॉज जो फिल्में रिलीज होने वाली थी वो पोस्टपोन कर दी गई है। बहुत सी फिल्में ऐसी थी जिनके काम बचे हुए थे, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी था, जिसके कुछ कुछ शूटिंग्स बाकी थे और वो रिलीज होने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते उस रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है। इस महीने भी फिल्में रिलीज होने वाली थी लेकिन उस रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म रिलीज का जो शेड्यूल था वो पूरी तरह से बिगड़ गया है, क्योंकि इसकी रिलीज डेट को पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया तो पूरा शेड्यूल काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, OTT जो प्लेटफॉर्म है, वो फिल्मों की रिलीज के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बनकर उभर कर सामने आया है। दोस्तों लॉकडाउन के पहले इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई थी सिनेमा घरों में, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस फिल्म को ज़्यादा कलेक्शन नहीं मिला, इस फिल्म ने कुछ अच्छा कमाल नहीं कर पाया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, इसलिए इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया है। अब लगता है कि अक्षय कुमार भी इसी बारे में कुछ बड़ा सोच रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अब विचार कर रहे हैं कि अपनी फिल्म को वो थिएटर के बजाय वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करें। दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब, जो कि बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म है और फैंस इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार थी, ये फिल्म इसी महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये रिलीज नहीं हो पाई है। ऐसे में अक्षय कुमार पूरा मन बना रहे हैं कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को OTT प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी और हॉटस्टार पर रिलीज कर सकते हैं। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा यू नो इस मामले पर विचार कर रहे हैं कि क्या वो इस फिल्म को यानी कि लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करें या फिर नहीं। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो पूरा ऑडियंस है लॉकडाउन के चलते वो घर पर ही है, ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि घर पर रहकर फैंस डिजिटल प्लेटफॉर्म ही बहुत ज़्यादा प्रेफर करें। अगर अक्षय कुमार अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म को बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा और बहुत सही रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि इस वक्त जो पूरा ऑडियंस है वो घर बैठकर ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यू नो प्रेफर कर रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही बहुत ज़्यादा अपना समय बिता रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का अभी बहुत सा पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो बाकी है, जिसमें एडिटिंग शामिल होता है, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, जो मिक्सिंग होता है वो शामिल है। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में अक्षय कुमार के साथ साथ कियारा आडवाणी मेन लीड कैरेक्टर में नजर आने वाली है। ये फिल्म इस महीने 22 मई को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये फिल्म रिलीज नहीं होती। अब देखने बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात होती कि क्या ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है या फिर नहीं, और जब रिलीज होती है तो दर्शक इसे कितना ज्यादा प्यार देते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय, आप अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर कितने एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।